जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी की। आपको बताते चले कि ये खबर बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के देवस्थान पर लगने वाले वार्षिक मेले को लेकर है। यानी बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर ये है कि आगामी 10 जुलाई से शुरू हो रहा है बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के देवस्थान पर लगने वाला वार्षिक मेला, जो कि एक हफ्ता तक ये मेला यहाँ पर आयोजित होता रहेगा। आपको बताते चले कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये मेला इस बार आयोजित किया जा रहा है बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के देवस्थान पर, और इस बार मेला भव्य तरीके से यहां पर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में यहां पर मेला आयोजित नहीं किया गया और इसके पीछे कारण यही रहा कि कोरोना जिस तरह से लगातार पीक पर था। लेकिन अब कोरोना के बाद हालात सामान्य हैं, तो हालातों को सामान्य देखते हुए ही जिला प्रशासन सांबा ने इस बार फैसला लिया है कि आगामी 10 जुलाई से एक हफ्ता तक चलने वाला यह मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है, और यह बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। जिसको लेकर आज जिला प्रशासन सांबा के तमाम अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक जो वो बुलाई, जिसको हेड किया डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने, और इस बैठक में एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजन मौजूद थे, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा मौजूद थे, और बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी मंदिर कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे, और तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे, और यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर जायजा लिया गया है, किस तरह से अरेंजमेंट्स करने हैं मेले को लेकर, तमाम इन बातों के ऊपर गौर किया गया है, और इस बार मेला भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर बाबा के भक्तों के लिए सामने आई है। आपको बता दें कि अगर हम बाबा जी के देवस्थान को लेकर बात करते हैं, तो बाबा जी का देवस्थान यानी बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी का जो देवस्थान है, ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। बताया जाता है कि बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी जो कि यहां पर स्थित सरोवर में उनकी समाधि है, और बताया जाता है कि जो भी तमाम श्रद्धालु यहां पर माथा टेकने आते हैं, बाबा जी उनकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं, और खास तौर पर वो लोग जिनको चरम रोग होते हैं, जिनको कई तरह की बीमारियां होती हैं, वो जब यहां बाबा जी के यहां स्थान पर आकर सरोवर में स्नान करते हैं तो उनके वो रोग भी ठीक हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बाबा जी जिनके घरों पर संतान नहीं होती, बाबा जी उनकी भी झोलियां भरते हैं, यानी जो निसंतान लोग होते हैं उनके घर पे भी संतान जरूर होती है जब वो यहां पर बाबा के दरबार पर आकर शीश झुकाते हैं, यहां माथा टेकते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये एक इतिहास है बाबा जी के देवस्थान का, जो कि हर किसी को यहां पर आने के लिए विवश कर देता है। और आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पूरे उत्तर भारत से यहां पर जो है वो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए। और पिछले 2 साल पहले का अगर हम आपको अपडेट करें, मैं अगर फ्लैशबैक में चला जाऊं, तो यहां पर भारी तादाद में श्रद्धा का जन सैलाब हमें हर बार देखने को मिला, लेकिन पिछले 2 सालों में हमें संख्या कम देखने को मिली क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार यहां पर श्रद्धा का जन सैलाब जो है वो इस बार भी बड़ी तादाद में उमड़ने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि इस बार मेला जो है वो भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। यहां पर जिला प्रशासन सांबा ने तमाम यहां पर अधिकारियों की बैठक बुलाकर ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि एक स्मूथ तरीके से यहां पर मेला जो है वो शुरू किया जाएगा, और यहां पर भारी तादाद में यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। तो एक अच्छी खबर है बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के भक्तों के लिए कि यहां पर 10 जुलाई से यह मेला शुरू हो रहा है, जो कि एक हफ्ता तक चलेगा, और हम उम्मीद करेंगे कि यहां पर भक्त भारी तादाद में आएंगे और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हम भी ग्राउंड पर जाकर आपको बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के देवस्थान पर जाकर दर्शन करवाएंगे, ताकि आप सबकी भी मनोकामनाएं बाबा जी पूर्ण करें और आपके ऊपर भी बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। तो जाते जाते मैं आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जो बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के देवस्थान को लेकर है। मैं कुछ फाइल वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, और जो आज बैठक ली गई प्रशासन की तरफ से वो भी, उसके कुछ वीडियोस भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो एक बार फिर से तमाम जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए। वो अगर घर के तो मैं तो सोच रही थी।
ये आपने कहा था ना ऑर्डर के लिए, वो मैंने कर दिया था, तो ये एडीसी साहब ने शायद रखा होगा कि आज का दिन हम हैंड ओवर कर रहे हैं। मैं पूरे हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, उनकी एडीसी से बहुत बुरा मेरा अच्छे से जैसे हम कोशिश करेंगे बेस्ट तरीके से करेंगे। पहले से ही काम चल रहा है, अभी चल रहा था, थोड़ा मीटिंग डिले हो गई, बहुत ज़्यादा प्लीज यहाँ आज भी आप देखते हैं कि एक और नौ इंच इस तरह से था, इसकी मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन काम हम उस पर नजर थी लेकर काम करवाने के लिए चल रही है, तो आगे भी ऐसे ही जब तक ये मेला होगा कंप्लीट होगा तो भी हर एक साफ में कोई दिक्कत नहीं आई है और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि इस बार कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगा और कोई पब्लिक कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई, प्लान तरीके में सब कुछ हुआ, तो उसी हिसाब से हम इस बार भी प्लान करेंगे। हमारी भी टीम नहीं है लेकिन हमारे एसएचओ और एसडीपीओ मैडम ने कल एक जो एक्सपीरियंस लिया है और एक दिन का मेला था उसको यहाँ पे हम मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंटली रेप्लीकेट करेंगे और कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा में हमें थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स भी मिली है, बट चैलेंज भी है कि अमरनाथ यात्रा में ही मेला पड़ रहा है तो थोड़ी सिक्योरिटी हमें वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि जितने लोग हमारे यहाँ आए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, आप अपनी जनता को जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी एक कन्वीनियंट तरीके से उनको डिसिप्लिन में रखें और एक कोई भी हमारे यहाँ सिस्टम तो उन्हें बताएं। बाकी एक मुझे बताया गया कि 7 तारीख को कोई छोटा यहाँ पे 7 तारीख को है तो उसमें हम एक रिहर्सल टाइप में कर सकते हैं, देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग में वही भी। थैंक यू।